डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का है ये। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। एक ठंडा करने की प्रक्रिया है, रूम को ठंडा करने की प्रक्रिया है जिसमें रूम के टेम्परेचर 40 डिग्री है और वहाँ से 40 डिग्री से टेम्परेचर को कम करना है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। और ठंडा करने की प्रक्रिया जो है उसका रेट क्या है, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डाउन जाएगा, नीचे जाएगा। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। जब प्रोसेस प्रक्रिया स्टार्ट होता है उसके 10 घंटा बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हैं कि रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर वो नीचे जा रहा है, मतलब 10 घंटे में 10 × 5 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो उस 50 माइनस 50 और ये 40 प्लस हो जाएगा, मतलब उसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्रोसेस के साथ बनाते हैं। सबसे पहले उस रूम का टेम्परेचर क्या है, तो प्रेजेंट टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ रूम, उस रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद डिक्रीज कितने डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिक्रीज टेम्परेचर पर आवर इक्वल टू कितना डिग्री हो रहा है, तो 5 डिग्री माइनस, मतलब नीचे जा रहा है टेम्परेचर, जब नीचे जाएगा इसका मतलब है कि -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डिक्रीज टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है, तो 10 घंटे बाद वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × −5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस। तो ये मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू -50, 10 × 5 = 50 हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस इतना हो गया। अब जो है रूम का टेम्परेचर 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस पहले था और अब जितना आया है उसमें हम प्लस करेंगे इसको, तो -50 डिग्री आया है आफ्टर 10 आवर्स, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला गया वो, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, ये 40 डिग्री और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 हो गया और ये बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर रहता है उसका जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पे लगता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के सामने और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसमें दिया क्या है, इन ए क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर सही जवाब के लिए 5 नंबर मिलते हैं एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत जवाब के लिए -2 नंबर मिलता है एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, और जिस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व न किया जाए उसके लिए कोई भी नंबर नहीं मिलता, 0 नंबर मिलता है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, मोहन 4 क्वेश्चन का सही जवाब देता है और 6 क्वेश्चन का गलत जवाब देता है, व्हाट इज हिज स्कोर, तो उसका टोटल नंबर क्या होगा, टोटल स्कोर क्या होगा। इस तरह से 2 नंबर और 3 नंबर का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे करेंगे। तो फर्स्ट में 7 का फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे मोहन 4 सही जवाब देता है और 6 गलत जवाब देता है, तो सही जवाब का पहले नंबर निकालते हैं, मार्क्स 4 करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 5, एक जवाब के लिए 5 नंबर मिलता है,
तो कितना मार्क्स हो गया, 5 4 या 20 मार्क्स। सही जवाब के लिए 20 मार्क्स मिल गया, और मार्क्स 4 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसके लिए कितना उसको मार्क्स मिलेगा, 6 × 6 − 2 है, तो 6 × 2 = 12 हो गया, लेकिन माइनस में आएगा −12। तो मोहन्स टोटल स्कोर इक्वल टू, फर्स्ट में मिला 20 और सेकंड में मिला −12, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, पता चल जाएगा टोटल मार्क्स क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8। टोटल मार्क्स क्या हो गया, 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा 5 सही जवाब देती है और 5 गलत जवाब देती है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 7 का पार्ट 2 है, तो मार्क्स 4 5 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 इक्वल टू 25 मार्क्स। सही जवाब के लिए 25 मार्क्स मिलेगा, और मार्क्स 4 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो इसके लिए 5 × −2, 5 × 2 = 10 हो गया, तो −10 हो जाएगा। रेशमास टोटल स्कोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 25 प्लस −10, सेकंड में ये, तो 25 प्लस −10 हो गया 10, इक्वल टू 25 में से 10 गया तो 15 मार्क्स, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। हिना 2 सही जवाब और 5 गलत जवाब देती है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, मतलब वो 7 क्वेश्चन बनाती है, 7 क्वेश्चन मतलब 2 सही और 5 गलत। सी अटेम्प्ट मतलब 7 क्वेश्चन बनाती है, व्हाट इज हर स्कोर। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि उसको 10 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल क्वेश्चन 10 दिया गया है, जिसमें से वो 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करती है, मतलब 3 क्वेश्चन छोड़ देती है। तो 3 क्वेश्चन जो छोड़ देती है, तो छोड़ने वाला क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट नहीं किया जाता है उसमें 0 मार्क्स मिलता है, मतलब उसका न प्लस होगा ना माइनस होगा, मतलब उसको आप छोड़ सकते हैं, वहाँ कोई भी उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में 2 जवाब सही देती है, तो मार्क्स 4 2 करेक्ट आंसर करेक्ट इक्वल टू 2 × 5 कितना हो गया, इक्वल टू 10 मार्क्स सही जवाब के लिए उसको मिल जाता है। मार्क्स 4 इनकरेक्ट कितना है, 5 इनकरेक्ट है, तो 5 इन आंसर्स, तो इसके लिए उसको कितना मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन −2, तो कितना हो गया, 5 × 2 = 10, तो −10 हो जाएगा। हिनाज टोटल स्कोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट में वो 10 नंबर प्राप्त करती है और फिर बाद में −10 प्राप्त करती है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस प्लस माइनस हो गया, तो फिर 10 हो गया, इसका मतलब वो 0 मार्क्स प्राप्त करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7।